ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಿಟು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ हमारे बालकोनी गार्डन को क्लीन करने का अभियान विंसेंट का हेल्प लेके। विंसेंट हमारे जो लिव इन हाउस हेल्पर है कर्मेला, उसका भाई है। सो वो भी मेरे पास काम करता है। उसको मैं कल से बोल के रखी थी कि ये सबको निकलना है और क्लीन करना है। जितने सारे पॉट निकल सकते हैं उसको निकाल के मैंने मास्टर बेडरूम के अंदर न्यूज़पेपर नीचे डाल के वो पॉट्स को सब इधर रखी हूँ। बाकी का पॉट्स इधर रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एक्चुअली बेल प्लांट से और कुछ प्लांट से जो ऑलरेडी वो जो बालकोनी का साइड वॉल है उसमें अटैच हो गया है, उसको मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। बाकी सारा जितना अटैच नहीं है उसको निकाल दिया। देखिए यहाँ पे मनी प्लांट्स है और कॉर्नर में मेरा येलो कलर का जो बेल है वो भी है, तो उसको निकाल नहीं पा रही हूँ। कितना गंदा होके पड़ा है। सो ये होता है जब पॉट्स हम लोग रखते हैं नीचे, वो सो बारिश होती है एंड पानी देते हैं, वाटरिंग करते हैं, उसमें से मिट्टी थोड़ा थोड़ा निकल जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको क्लीन करना पड़ता है, तो मैं किसी के हेल्प से इसको क्लीन करती हूँ। देखिए हमारे बालकोनी से बाहर का नज़ारा। ये मेरा फेवरेट प्लेस है। ज़्यादा बड़ा बालकोनी नहीं है, लॉन्ग है, बट इसका जो विड्थ है वो 3 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसका जो लेंथ है वो 11-12 फीट है, एग्जैक्टली 12 फीट है। सो ये बहुत सुंदर एक जगह है। बहुत हमारा जो फ्लैट है ये कॉर्नर फ्लैट है, सो तीनों साइड खोला है, इसलिए बालकोनी में थोड़ा सा गार्डनिंग करने में मज़ा आता है। ये मेरे जो प्लांट्स मैं यहाँ पे रखी हूँ, अभी चलिए जाके ना जो जितने सारे प्लेट्स पॉट के नीचे रखा हुआ था वो पूरा एकदम गंदा होके पड़ा है, उसको भी क्लीन करना है। और वो बालकोनी का जो वॉल है उसको, वॉल बोल रहा हूँ, जो फ्लोर है उसको भी अच्छा से क्लीन करनी है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर इसके बीच में मैंने ये प्लांट्स को थोड़ा सा ट्रिम कर देती हूँ, उसके ऊपर जितना मिट्टी धूल है उसको थोड़ा सा स्प्रे, पानी स्प्रे करके क्लीन करती हूँ। अभी मेरा बालकोनी का क्लीनिंग का काम लगभग 95% हो गया है। बाकी जो 5% है वो उसको कर्मेला और विंसेंट कर रहे हैं। मैं आई हूँ थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने के लिए। उसके बाद देखिए आप लोगों को आपका फेवरेट प्लेस और मेरा फेवरेट जगह मैं लेके आई हूँ, डक पॉन्ड। सो सुबह सुबह अंकल ने वो डक्स को खोल दिए हैं और ये देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है आई गेस। सो फाउंटेंस ऑन है और डक्स खेल रहे हैं। सो ये थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग होती है जब आप कोई भी काम से थोड़ा सा टायर्ड हो गए हो या आपका दिमाग पे दूसरा कुछ चल रहा है, तो खुद का मन को शांत करने के लिए यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे कैंपस का बहुत सारे लोग आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, ये डक्स को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिलीव मी, दिस इज़ लाइक हेवन। सो वाटर बॉडी और उसके साथ लाइव कुछ चीज़ें जो मन को इतना आनंद देती है ना। सो आप लोग मेरे साथ सहमत होंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। अभी टाइम हुआ है 12:25 और देखिए मेरे हाथ में क्या है, चाय है। मैं 12:25 को चाय पी रही हूँ आज, क्योंकि एक फ्रेंड को घर पे बुलाई हूँ, वो अभी तक नहीं आई है। सो आते आते 1:30 हो जाएगा। और मैं ना मॉर्निंग में एक बार चाय पीती हूँ, कभी कभी मन करता है तो दोबारा भी पीती हूँ। आज वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, बारिश भी हो रही है, रिमझिम बारिश। सो चाय पीने का मन कर रहा है, अदरक की चाय। सो अभी चाय पीऊँगी, लंच कर लूँगी जल्दी। आप लोग सब सोचे होंगे लंच से पहले चाय क्यों पी रही हूँ, मैं कभी भी नहीं पीती। आज मेरा थोड़ा मन किया सो पी रही, चाय का मज़ा ले रही। एनीवे बातें तो होगा। नीचे गई थी आज वॉक करने के लिए, वॉक करके आ गई, पार्लर गई थी, हेयर वॉश करके आई। ये क्या हुआ मेरा हेयर को, हेयर वॉश करके आई और है ना।
फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है इवनिंग 5:30। देखिए कितना सन है, मैंने दिन का लाइट है, और फिर आप लोगों को ला के इन लोगों के साथ मिलवा देती हूँ। तब से ये लोग खेल रहे हैं, मतलब पूरा दिन इन लोगों को हम लोगों ने छोड़ देते हैं खेलने के लिए। जो भी कोई आता है उनको उनके साथ बातें करते हैं, बट खाना पीना नहीं दे सकते उनको, अंकल ओनली फीड करते हैं। तो आप लोगों को मिला दिया सेकेंड टाइम एक दिन में। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है नेक्स्ट डे, मैं आई हूँ गरुड़ा मॉल के सामने, आप लोगों को दिखाऊंगी। होम स्टॉप है जो मेरा एक फेवरेट प्लेस है, जहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। आज मैंने सोचा आप लोगों को कभी उसको नहीं दिखाई मैंने, आज मैं खुद ही जाऊँगी उसको, उसमें क्या क्या स्टॉक है, क्या क्या न्यू अराइवल्स है चेक करने के लिए। चलिए आप लोगों को भी ले कर चलती हूँ और अंदर जाके दिखाती हूँ क्या क्या अवेलेबल होता है होम स्टॉप में। फ्रेंड्स पहले मैं आप लोगों को कुछ होम डेकर आइटम्स यहाँ पे होम स्टॉप में दिखा रही हूँ, कितना कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलता है। होम डेकर से स्टार्ट करके बेड लाइनिंग, घर का फर्निशिंग, फर्नीचर्स, क्रॉकरी, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। एंड हर एक चीज़ें यहाँ का मेरा बहुत फेवरेट है, नो डाउट इट्स का क्वालिटी द बेस्ट। सो मेरे घर में आप होम स्टॉप से ख़रीदा हुआ बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे। यहाँ का जो बेड लाइनिंग है, जैसे बेडशीट है, डुए है, पिलो कवर से, कुशन कवर से, वो नंबर वन क्वालिटी का होता है। उसका जो लंग्जिबिलिटी है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैं प्रीफर करती हूँ हमेशा बेड रिलेटेड चीज़ें यहाँ से ख़रीदने के लिए। अभी आपको दिखा रही हूँ होम डेकोर आइटम का एक पार्ट जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स। आप लोगों को जैसे पता है मेरे घर में आप लोग ज़्यादा नहीं देख पाओगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, बट जितना भी है वो आइदर जो लाइफस्टाइल का होम सेंटर से है या यहाँ से है, होम स्टॉप से है। इसको देखने से आपको आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, ये जो फ्लावर्स जितना है पूरा रियल लगता है, और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। आँख बंद करके आप लोग खरीद सकते हो। फिर मैंने आई ये वाला वास सब देखने के लिए, नया कलेक्शन बहुत है। सो ये जो पिंक एंड ब्लू का वाश है ना, ये बहुत सुंदर लग रहा है, बट मेरे घर के इंटीरियर के साथ नहीं जाएगा। मैं इसलिए प्रीफर करती हूँ ग्लास या सेरामिक का लेने के लिए, जो हर कोई इंटीरियर के साथ न्यूट्रल होती है और अच्छा से जाता है। चलिए देखते हैं और क्या क्या है। अभी मैं आ गई हूँ क्रॉकरी सेक्शन में। देखिए कितना सुंदर सुंदर सा क्रॉकरी है, जॉक्स है, कॉप प्लेट्स है, जो मेरा इसको देखने से ना लेने का मन करता है, बट घर में और जगह नहीं है कुछ सामान लेके एडजस्ट करने के लिए, इसीलिए एक्चुअली लेना नहीं चाहती हूँ। बट डेफिनेटली जो जो न्यू अराइवल्स है उसको एक ग्लांस तो मैं देखना चाहती हूँ। सो जब मेरा मन करे तब लूँगी। देखिए कितना सुंदर चाय का केटल और कॉप प्लेट का सेट है, और क्रॉकरी, ये डाइनिंग सेक्शन है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो डिनर और लंच प्लेट्स का कलेक्शन है, कलरफुल भी है, न्यूट्रल कलर का भी है। सो ये सब मेरे पास बहुत है, इसलिए मैं लेना नहीं चाहती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बोली ना, नया कलेक्शन में ये सब कलर ऐड होता रहता है। सो देखने के वो बहुत अच्छा लगता है, एक आइडिया भी मिल जाता है। जब आप कोई चीज़ों को डिस्कार्ड करो तो उसको ऐड करने के लिए मन करता है। यह है ब्रेड बॉक्स, ऑनियन एंड पोटैटो का कंटेनर, वो सब चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लहसुन रखने के लिए कंटेनर, बास्केट्स जो मेरे घर का एक एक हिस्सा है। सो उसको देख के अभी मैं आई हूँ, और कुछ सेंटेड कैंडल्स और परफ्यूम्स वगैरह देखने के लिए। ये भी घर में जान ला देता है। सो ये जो डिफ्यूजर या सेंटेड कैंडल्स घर में ज़रूर रखिएगा, एक कोने में, कुछ नहीं होगा तो एक तो रखिएगा, ये पूरा घर में चहकमहक मचा देगा, एक सूदिंग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। सबसे जो इंटरेस्टिंग है ना, एक पॉजिटिव वाइब्स देगा। देखिए यहाँ पे कुछ गिफ्ट पैक्स है, मैं मेरे फ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट देने के लिए चाहती हूँ, कुछ फ्रेंड्स को। सो देख रही हूँ उसमें से कुछ गिफ्ट हैम्पर जैसा ले पाऊँ तो, सो देख के डिसाइड करूँगी फाइनली। एंड यहाँ पे कुछ डिफ्यूजर रखा हुआ है, छोटे छोटे डिफ्यूजर आप आपके वॉशरूम में रख सकते हैं, उसमें अच्छा सा खुशबू आएगा नहाने के टाइम, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो ये सब सेक्शन देख के मैं आ गई हूँ बेड लाइनिंग सेक्शन में। सो यहाँ पे भी थोड़ा देखूँगी, सब कुछ देख के एक दो खरीद के मैं निकल आई हूँ होम स्टॉप से, और जा रही हूँ गरुड़ा मल के अंदर, वो एकदम अपोजिट में है। सो यहाँ पे मैं मेरी एक फ्रेंड दोनों आए हैं आज, वो आके ऑलरेडी पहुँच गई है। सो मुझे अंदर जाना है और उसके साथ मिल के थोड़ा सा बातचीत करनी है, और हम लोग सोच रहे हैं
थोड़ा सा कुछ लंच करने के लिए। देखिए आके पहुंच गई हूँ फूड कोर्ट में, यहाँ से एक फालूदा मेरे लिए ऑर्डर की हूँ। फालूदा मेरा बहुत फेवरेट है, आप लोगों को पता है। फालूदा के साथ साथ मैं कुछ ऑर्डर दी हूँ, आज मेरा वेज डे है, नॉन वेज नहीं खाऊंगी। मेरी जो फ्रेंड है वो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन है, वो उसके लिए कुछ नॉन वेज ऑर्डर देगी। और मैं तो आज सोच रही हूँ थोड़ा सा स्प्रिंग डोसा, आप लोग स्प्रिंग डोसा का नाम सुने हो कि नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ पे साउथ में मिलता है, मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। आ गया मेरा गर्मा गर्म स्प्रिंग डोसा, उसके साथ सांभर और चटनी। सो यहाँ पे मेरा फालूदा रखा हुआ है, पता नहीं मैं इतना कुछ खा पाऊँगी या नहीं, बट ये स्प्रिंग डोसा बहुत पतला होता है, इसके अंदर वेजिटेबल का स्टफिंग होती है, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, आज करूँगी और आप लोग को बताऊँगी। हम लोगों का जो जो ख़रीदने का था सब कुछ हो गया, हॉल से बाहर निकला है, कुछ स्टिल पिक्चर्स क्लिक किए थे, उसको आप लोगों के साथ ऐड कर देती हूँ। आप देख पाओगे बाहर कितना क्लाउडी वेदर हो गया है और अच्छा हवा दे रहा है, मस्त लग रहा है एक्चुअली। यहाँ पे चलिए मैं आप लोगों को एक सुंदर सा नज़ारा दिखाती हूँ, एक सुंदर सा बोगनविलिया प्लांट जो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है। अभी मैं मॉल के बाहर हूँ और बाहर का नज़ारा तो आप लोगों को दिखाना बनता है, तो एक बार दिखा देती हूँ बाहर का नज़ारा, उसके बाद हम मैं घर चली जाऊँगी। और आज मुझे एक डिश शूट करना है जो मेरा बहुत फेवरेट है। सो उससे पहले आप लोगों को पूरा दिखा दिया और स्टिल पिक्चर्स जितना क्लिक किया था उसको भी अटैच कर दिया। अभी मैं आ गई हूँ हमारे किचन में बनाने के लिए परवल पोस्तो। पोस्तो खसखस होता है, परवल पूरा गोटा है, देखिए इसको कट करके बीच में से लॉन्गिट्यूडिनली उसका जो बीज निकाल दिए, उसको बनाने के लिए यहाँ पे खसखस का पेस्ट रखा हुआ है। यहाँ पे टमाटर है, हरी मिर्च है, कलौंजी है, बारीक कटा हुआ प्याज है और तेज़पत्ता है। सो इसको हम लोग बनाएंगे जैसे मैंने बोली एक बहुत ईजी तरीके से। कढ़ाई में हम लोग ने मस्टर्ड ऑयल लिए है, जो गोटा वाला परवल है इसको पॉइंटेड गॉर्ड बोलते हैं, जो कट करके हम लोगों ने रेडी किए थे उसको ऑयल में फ्राई करेंगे। आपको आप इसको डीप फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है, हल्का ऑयल में आप फ्री कर सकते हो। सो ये थोड़ा सा उसको 3 से 4 मिनट लगेगा वो हल्का सा बॉयल होके फ्राई होने के लिए, उसका कलर ऐसे ही आएगा। सो ये टाइम में हम लोगों को परवल यहाँ से निकालनी है। एक प्लेट में परवल का रखेंगे, फिर कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल में हम लोग डालेंगे तेज़पत्ता। इसका जो छोंक होती है बहुत सिंपल होती है, तेज़पत्ते के बाद हम लोग इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, इसको हल्का सा स्लिट करके डालिएगा। ग्रीन चिली का फ्लेवर मस्टर्ड ऑयल और ये के साथ, मस्टर्ड ऑयल के साथ बहुत अच्छा लगता है और पर्टिकुलरली ये सब्जी में तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज को लंबा पतला कट करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, यहाँ पर सोनू कर रहा है जैसे मैंने हर की मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो मुझे हेल्प करता है, मैं दोनों मिल के करते हैं। प्याज और ग्रीन चिली को हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई करेंगे। ये सब्जी को बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, मैं मेरे तरीके से इसको बना रही हूँ, कोई कोई अलग तरीके से बनाते हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टेस्टी होता है। सो अभी प्याज को थोड़ा भुनने के बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर को कट करके डालेंगे। कोई कोई पोस्तो में, ये एक ट्रेडिशनल डिश है, टमाटो यूज़ नहीं करते हैं, बिना टमाटो में बनाते हैं, बट मैं इसमें टमाटो ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टमाटो अच्छा लगता है ये सब्जी में। सो सबको मिला के 3 से 4 मिनट हम लोग इसको फ्राई करेंगे। देखिए फ्राई करने का टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टमाटो को पूरा पेस्ट हो जाना चाहिए, नहीं होने से भी चलेगा। उसके बाद हम लोग इसमें खसखस और चारमगज दोनों को लेके एक पेस्ट बनाए हैं और वो पेस्ट को यहाँ पे डाले हैं। सो वो पेस्ट का जो क्वांटिटी है वो आप आपका सब्जी का क्वांटिटी का हिसाब से देख के करोगे। और ये जब जो पेस्ट जब रेडी हो जाएगा तब उसमें डालेंगे हम लोग जो परवल, परवल को तो पहले हम लोगों ने फ्राई करके रखे थे, वो हाफ़ फ्राई होता है, एकदम 100% फ्राई नहीं होता है। उसको डालने के बाद लीड दे के सब्जी को हम लोग 3 से 4 मिनट पकने देंगे। जब हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वो जो टमाटो मैंने यूज की हूँ बड़ा बड़ा साइज़ का की हूँ, सो और टमाटो पूरा पेस्ट नहीं हो जाता, उसका चंक्स जब मुँह में आता है ना उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और टमाटो पेस्ट देने से उसमें से अलग सा एक फ्लेवर आता है। सो जब भी पोस्तों में आप लोग टमाटो यूज़ करोगे तो उसको कट करके देना, सो उसका फ्लेवर बहुत
बहुत अच्छा था। देखिए मेरा परवल पोस्तों का टेक्सचर कितना टेस्टी दिख रहा है, जितना टेस्टी दिख रहा है उतना टेस्टी होता है ये, और बहुत अच्छा लगता है इसको चावल के साथ खाने में। देखिए मैंने उसको अभी फाइनल ये आप लोगों को दिखा दिया, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया हमारे डिश में। सो उस ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और ग्रीन चिली दे के इसको गार्निश कर देते हैं। हमारा गर्मा गर्म पटल पोस्तों तैयार होता है।